पेपर लीक मामले की कहानी में सीबीआई की एंट्री भी हो चुकी है। सीबीआई के बड़े बड़े अधिकारी बेहद गोपनीय तरीके से मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से एंगल हैं जिनको लेकर सीबीआई की जांच का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। पेपर लीक की कहानी में कितने किरदार हैं? ये कहानी कहां से शुरू हुई? पेपर लीक करवाने वाला सरगना कौन था? ऐसे ही पॉइंट्स को पकड़कर सीबीआई की टीम उन लोगों के गिरवान तक पहुंचना चाहती है जिन्होंने सैकड़ों छात्रों के न सिर्फ भविष्य से खिलवाड़ किया है बल्कि शैक्षणिक संस्थानों की साख का भी। यही वजह है कि सीबीआई ने नीट और नेट पेपर लीक के लिए जांच का एक नया चक्रव्यूह तैयार किया है। सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय के शिकायत पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर आईपीसी की धारा 420, धारा 406 और 120B के तहत एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पूरी जांच चार चरणों के बीच उस कमी को ढूंढने में है जिसमें परीक्षा के पेपर को बनाने, उसके प्रिंटिंग, उसको देश के अलग अलग हिस्सों में भेजने के साधन और परीक्षा में पेपर को बांटने की प्रक्रिया के बीच की कमी का फायदा उठाकर पेपर लीक करवाने वालों का पता लगाना है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एनटीए द्वारा बनाई गई इस पूरी प्रक्रिया को बेहद गोपनीय रखने का प्रावधान है। बावजूद इसके किस चरण में खामियां ढूंढकर कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर पेपर लीक कराया गया, इसका पता लगाना सीबीआई की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। खास बात यह है कि सीबीआई के रडार पर एनटीए के वो अधिकारी हैं जिनकी भूमिका सीधे पेपर करवाने की होती है। दरअसल प्रश्न पत्र बनाने वाले, उस पेपर के प्रिंटिंग करवाने वाले, प्रिंटिंग करने वाले, पेपर को देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचाने और परीक्षा होने तक उनको सुरक्षित स्टोर करके रखने वालों समेत कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास परीक्षा से कुछ घंटे पहले तक पेपर सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती है। सीबीआई इसी पूरी चेन के बीच उस लीकेज का पता लगाने की कोशिश करेगी जिसने देश की नामी गिरामी शैक्षिक संस्था पर बदनामी का धब्बा लगा दिया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई 1000 फोन नंबरों के डेटा की मदद से भी पेपर लीक करने वालों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक मामले की जांच में जुटी सीबीआई के लिए उसके पास मौजूद 1000 नाम और नंबरों का वो डेटा किसी संजीवनी से कम नहीं है जो सीबीआई ने व्यापम समेत पेपर लीक के दर्जनों केस की जांच करने के दौरान बनाया था। सीबीआई इन 1000 नाम और नंबरों के डेटा की मदद ले रही है ताकि अभी तक की जांच में सामने आए नाम और उनके मोबाइल नंबरों को डेटाबेस में डालकर पेपर लीक करने वाले नेक्सस और मॉड्यूल के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी CFSL के कंधों पर मोबाइल में छिपे राज निकालने की जिम्मेदारी है। सीबीआई ने यूजीसी नेट मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद अब तक 8 मोबाइल फोन जांच के लिए CFSL भेजे हैं जहां फॉरेंसिक एक्सपर्ट मोबाइल से तमाम डेटा या डिलीट किए गए डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे ताकि पेपर लीक कांड के एक एक किरदार का पर्दाफाश किया जा सके।